क्लोज इन कर चुका है। टीम फैनाटिक वर्सेस टीम स्काउट होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। टीम स्काउट टीम फैनाटिक अगर टीम सोल को अगर इधर एलिमिनेट कर देते हैं टीम फैनाटिक तो, और फैनाटिक थोड़ा अच्छा रैंकिंग पॉइंट्स लेके किल लेके अगर चिकन रन लेते तो शायद टीम सोल के पास भी बहुत बढ़िया चांस है। टीम मेगा स्टार्स ने पुश इन कर चुका था एंड उसी मोमेंट पे टीम जोन इसका गलत खात्मा कर दिया एंड एक कार 98 का शॉट का रौनक मिस कर दिया सोल वाइपर के ऊपर से। Guys, 12K का वाचिंग यार 12.7K, can we get to 5K likes? Guys, come on, कर दो यार 5K, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो 5K कर दो। 8.9K हो चुका है, can we get to 9.5K subscribers? 9K पहले कर दो guys, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। Guys, come on, can we get to 9.5K and 5K likes? चलिए क्लच गॉड को शायद स्पॉट कर लिए, क्लच गॉड को शॉट लेने की कोशिश किया था रौनक। चलिए बस पंतोष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पंतोष फिलहाल आगे तरफ लेटे पर है, स्काउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। स्काउट में भी थोड़ा फ्लैंक करने का सोच रहे, अगर स्काउट का ये फ्लैंक काम कर गया ना गाइस तो स्काउट एक साथ दो बंदे को तो डाउन कर ही सकते हैं। उसी मोमेंट पे फ्रंटिक का रौनक एंड पंतोष ले सकते हैं। अगर स्काउट का स्प्रे आया M4 का, M4 शायद उसको नहीं मिला, M4 नहीं उसके पास SKS एंड AKM है, तो AKM से इतना दूर से स्प्रे नहीं देगा वो फिलहाल, एज वी कैन सी दैट। एंड M4 अभी तक नहीं मिला किसी को फैनाटिक, रौनक के पास AKM है एंड कार 98 से किसी को शॉट देने की कोशिश, शायद सोल भी क्लच गॉड को कोई डैमेज लगा। क्लच गॉड के ऊपर चलते टीम सोल वर्सेस टीम फैनाटिक इधर हो रहे 3v4 सिचुएशन, वन मैन एडवांटेज फॉर टीम सोल। देखना पड़ेगा कि टीम सोल ये वन मैन एडवांटेज के ऊपर बिल्ड कर पाएगा। एंड सोल मॉर्टल ने इधर फैनाटिक रौनक को डाउन किया मेनी 14 से राइट की तरफ से, मे भी इधर गाड़ी फोड़ के कोशिश करेगा रौनक को कंट्रोल करने। राइट से अगर स्काउट का शॉट आया काउंटर फायर तो शायद इधर मॉर्टल डाउन हो सकता है। स्काउट के पास स्कोप्स है तो स्काउट को देखना चाहिए था 6-6, मॉर्टल को शायद स्पॉट नहीं कर पा रहा है स्काउट, एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं कर पा रहा है। एंड मे बी स्काउट शॉट्स लिया था, स्काउट को जो स्पॉट कर लिया गया, मॉर्टल को भी स्पॉट कर लिया है, लेफ्ट की तरफ से भी शॉट्स आ रहे हैं, मे बी मॉर्टल को भी नॉक करने की कोशिश करेगा एंड शॉट लगा एंड क्लच गॉड की तरफ से कार 9 M24 का हेडशॉट एंड स्काउट ओपी गेट्स नॉक। रौनक को आना पड़ेगा स्काउट की तरफ, 4v2 सिचुएशन, क्या टीम सोल पुश इन करेगा और टीम फनाटिक क्या वो अग्रेसिवनेस दिखाएगा टीम सोल इस मैच में। सोल वाइपर के ऊपर चलते हैं, वाइपर क्लोज इन करते हुए मे बी फनाटिक रौनक सोल की क्लच गॉड फैनाटिक पर उसको स्प्रे से डाउन हो गया। अब भी शायद वो लोग थोड़ा फॉल बैक करेंगे सोल के स्क्वाड, क्योंकि एक बंदा डाउन है उसको रिवाइव देना पड़ेगा, अगर फाइट लेना इतना इजी नहीं है अगेंस्ट टीम फैनाटिक जैसे क्वालिटी का टीम। स्काउट को रिवाइव देने के लिए दोनों बंदे को इकट्ठा करना पड़ेगा। उधर किल टू सर्वाइव के साथ फाइट होगा IGC का, ऑल स्टार्स के साथ टीम GTR का फाइट हो चुका है, लेकिन ये वाला फाइट बहुत ही मजेदार हो सकता है गाइस, वी आर वेटिंग फॉर दिस फाइट। फैनाटिक स्काउट ओपी लेफ्ट की तरफ देख पा रहे, वो ब्लीड आउट होते हुए स्काउट की तरफ जाना इज नॉट दैट ईजी, थोड़ा ओपन पे है स्काउट, उसके पास गाड़ी भी नहीं है, कोशिश करें अगर स्काउट में भी ब्लीड आउट हो जाएंगे। परितोष थोड़ा लेट कर दिया एंड स्काउट इधर बीड आउट हो चुका है, सोल के क्लच गॉड ने इधर फैनाटिक स्काउट ओपी का किल मिल चुका है। रौनक एंड परितोष कोई भी हील करने उसको नहीं आया, अगर थोड़ा जल्दी आते तो शायद इधर बच जाते। इट्स अ 4v2 सिचुएशन फॉर टीम सोल वर्सेस टीम फैनाटिक, मे बी टीम सोल फॉल बैक करने का डिसीजन लिया। मॉडल की तरफ से कॉल आ चुका है एंड कैसे बीत रहा है, कैसे शॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, रेगल्टॉस कवर पे इसलिए उसके ऊपर उतना ज्यादा शॉट्स नहीं, उसके सामने सारे शॉट्स लग रहे हैं और अगर थोड़ा एक दो मीटर दूर आ जाता है तो गोली तो शायद सोल के रेगल्टॉस नॉक हो सकता है। उसके पास फर्स्ट नहीं है, एक और शॉट रेगल्टॉस नॉक हो सकता है, सामने और स्मोक करवा ताकि उसको लगे कि वो सामने थोड़ा थोड़ा मूव इन कर रहे, थोड़ा फेंक देने के लिए रेगल्टॉस टीपी भी लेते हुए सोल के रेगल्टॉस के पास, ज्यादा बैंड भी है उसको पीछे की तरफ जाना चाहिए स्मोक के अंदर, उसके ऊपर पूरा स्प्रे एंड टीम सोल रेगल्टस गेट स्टॉक बाय GTR फ्लेक्स। रेगल्टस इधर कंफर्म हो सकते हैं, रैंडम स्प्रे बाय टीम GTR एंड सोल रेगल्टस मे भी इधर कंफर्म हो सकता है। टीम किल टू सर्वाइव वर्सेस फुल पावर का फाइट हो चुका है, फुल पावर के जूम बूम के ऊपर चलेंगे, किल सर्वाइव के ऊपर सामने चलते हैं, किल सर्वाइव बैरी फुल पावर के जूम बूम पर कंफर्म कर दिया, दो बंदे फुल पावर के, दिग्यांत एंड पोरो जोन के बाहर, थोड़ा जोन के अंदर आना पड़ेगा उनको, दिग्यांत एंड पोरो को जोन के अंदर दूसरे के टाइम शॉट से टीम GTR भी क्लोज इन कर चुके हैं। GTR के ऊपर चलते हैं, GTR वर्सेस रिवेंज स्पोर्ट्स का फाइट हो रहा है, क्लोज इन फाइट के अश्विन आ चुका है, रिवेंज स्पोर्ट्स का एक बंदा ऑलरेडी डाउन, सोनिक त्रिलोक के ऊपर पोजीशन करके शायद त्रिलोक नॉक कर दे, अश्विन अंदर से पोजीशन कर रहे हैं,
एंड मे बी टीम रिवेंज स्पोर्ट्स को इधर एलिमिनेट कर दिया। दो बंदे जीटीआर के डाउन है, रिविक एंड फ्लेक्स दोनों को रिवाइव देने पड़ेगा। 14 ओपी किल्स फॉर टीम जीटीआर, ये उनको बहुत ही ज्यादा बूस्ट देगा। इधर से टीम एसजी डेस्ट्रो इस मोमेंट पे रिच के अंदर आ चुका है क्लोजिंग करते हुए। मे बी डेस्ट्रो इधर एक और बंदे को नॉक कर सकते, रस्टिक को एक और किल मिल गया एंड टीम जीटीआर को मिल चुका है गाइज 15 किल्स इन दिस मैच। फोर बंदे अभी बेलाए हुए, टीम फुल पावर का पूरे दिन उनका नया कोशिश करेगा। दिग्यांत ऊपर से स्प्रे दे रहे हैं, दिग्यांत ने किल टू सर्वाइव का बैरी को डाउन किया। 920 इज आल्सो नॉक, 2v2 फाइट, फुल पावर वर्सेस किल टू सर्वाइव। ऑसम एंड साहिल, देखना पड़ेगा क्या कौन सा टीम इधर चिकन डेयर ले सकता है। गाइस चैट में स्पैम कर दो गाइस, आपको कौन सा टीम लगता है, इज इट फुल पावर, इज इट जीटीआर एंड इज इट किल टू सर्वाइव। 10 प्लेयर्स 2v4v4, एक बार दिग्यांत ने किल टू सर्वाइव को 9 पर को डाउन किया। दिग्यांत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दिग्यांत को स्प्रे आ रहा है, दिग्यांत ने नॉक होता है, दिग्यांत को नॉक कर दिया गया दूर से। फुल पावर के पोरो शायद जोन के बहुत ही करीब आ चुका है एंड दिग्यांत को कंफर्म कर दिया। येट अनदर किल, 16 किल्स फॉर टीम जीटीआर हम लोग देख पा रहे हैं। किल टू सर्वाइव का फुल स्क्वाड इधर लाइव नहीं है, अभी भी तीन बंदा अलाइव है। 8 प्लेयर्स स्टिल देयर गाइस, 4v3v1। सामने स्मोक आया फ्रॉम टीम जीटीआर, वो लोग जोन के अंदर आने का कोशिश करेगा। टीम किल टू सर्वाइव इज इन द जोन, मे बी टीम फुल पावर इधर पोरो अकेला बैठ के फोर फुल पावर के पास 5 किल, पीछे शॉट सारे फुल पावर, पोरो के पास टीम फुल पावर, पोरो गेट्स एलिमिनेटेड। इट्स किल टू सर्वाइव वर्सेस टीम जीटीआर 3v4 फाइट। किल टू सर्वाइव बैरी इधर नॉक हो चुका है, साहिल के पास ज्यादा हेल्थ नहीं है। जीटीआर जब चलता है गाइस सब कब फाड़ देता है, ऐसे जीटीआर इधर चला एंड पूरा 16 किल्स ले चुका है, 18-19 किल्स ले सकते हैं, देखना पड़ेगा। बैरी को रिवाइव दे सकते हैं, साहिल के ऊपर रस्टिकंस क्लोज इन करते हुए साहिल इधर नॉक हो सकता है, साहिल के पोजीशन स्पॉट कर रस्टिकंस शॉट इज बहुत ही ओपी एंड रस्टिकंस ने साहिल को डाउन कर दिया। फ्लेक्स एंड किल सर्वाइव, ऑसम अकेला बंदा बचा है, ऑसम ने रिकॉर्ड किल ले लिया एंड उसको हील करना पड़ेगा। रिविक क्लोज इन कर, रिविक एंड फ्लेक्स दोनों बंदे भी क्लोज इन करेंगे शायद एंड उसके पास हेल्प भी नहीं है। मे बी दिस इज द एंड, रस्टिकंस उसके ऊपर फायर लेते हुए एंड टीम किल टू सर्वाइव गेट्स एलिमिनेटेड फाइनली बाय टीम जीटीआर। जीजी टीम जीटीआर इन द चैट, स्पैम कर दो, वो लोग कल थोड़ा शांत थे लेकिन आज वो लोग आ चुका है, जाग गए गाइस विद 19 ओपी किल्स। टीम जीटीआर गॉट द चिकन डिनर, जीजी टीम जीटीआर इन द चैट सेकंड में है। टीम किल टू सर्वाइव विद 7 किल्स, थर्ड पे टीम फुल पावर विद 5 किल्स।